जिले के वरबुद में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला। धमाके में कैप्टन मोहम्मद फराज अलियास समेत 7 जवान शहीद। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की शदीद मजम्मत। सिक्योरिटी अहलकारों की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। कहा शोहदा ने अपना कीमती लहू देकर अम की आबियारी की। शोहदा कौम का इफ्तिखार। लाजवाल कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। ईद कुर्बान से कबल सब्ज और खुश मसाला जात की कीमतों में इजाफा। मुल्तान में लाल मिर्च 4000 रुपए महंगी, कीमत 17000 रुपए फी मन हो गई। अदरक 750, लहसुन 400 और प्याज 150 रुपए किलो। टमाटर 60, हरी मिर्च 140 रुपए किलो फरोख्त। गिरा फरोशों ने सरकारी रेट लिस्ट नजरअंदाज कर दी। दरियाए सिंध में पानी का उतार चढ़ाव जारी। कटाव में तेजी आ गई। लिया पहाड़पुर के नशेबी इलाके जेरे आब। सैकड़ों एकड़ अराजी दरिया बुर्ज। फसलें तबाह। कई आबादियां सफाए हस्ती से मिट गई। मुतासरीन इकदाम ना होने पर मायूस। सुन्नत इब्राहिमी की तैयारी। खूबसूरत जानवर की तलाश जारी। जनूबी पंजाब में मवेशी मंडियां सज गई। नाज नखरों से पहले मोटे तगड़े जानवर मरकज निगाह। व्यापारियों और खरीदारों में भाव ताव। मवेशी मंडियों में बेहतरीन इंतजाम। मुल्तान की सामुराना मवेशी मंडी जानवरों से भर गई। राजनपुरी बकरों की खूबसूरती ने तवज्जो हासिल कर ली। खरीदार रेट सुनकर खाली हाथ वापस जाने लगे। व्यापारियों का कहना है जायज कीमत मांगने पर भी खरीदार वापस चले जाते हैं। मंडी में नाकाफी इंतजाम पर ACCT इन एक्शन। पानी का इंतजाम कर दिया गया। जानवरों को सजाने वाले सामान की मांग भी बढ़ गई। भावनगर में सजावटी सामान के स्टॉल सज गए। माला, ताज, पेटी, हार, झांझरों की खरीदारी जारी। दुकानदारों के मुताबिक बच्चों की सजावटी सामान खरीदने का ज्यादा शौक होता है। ईद कुर्बान करीब छुरियों टोपों का कारोबार भी चमक उठा। रोहिला वाली में कारीगरों के मुताबिक ईद उल अजहा आते ही कारोबार में तेजी आ जाती है। पुरानी छुरियों की धार तेज करने का काम भी जारी। रोहिला वाली की मवेशी मंडी में पर्ची वसूली जारी। शहरी के मुताबिक 300 रुपए फी जानवर वसूल किया जा रहा है। उधर तुलंबा इंतजामिया के मुताबिक किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा। हारूनाबाद की मवेशी मंडी में बेहतरीन इंतजाम। साया और जानवरों के लिए साफ पानी दस्तियाब। चिचड़ों के तदारुक के लिए स्प्रे भी किया जाने लगा। हमारे पास टोटल मेडिसिन मौजूद है। यहाँ पे जो जानवर मंडी में आएंगे हम उनका फ्री ट्रीटमेंट करेंगे। जो जानवर प्रेग्नेंट होंगे, हामल होंगे, उनका हम टेस्ट करेंगे। अगर वो जानवर हामला निकल आते हैं तो हम उनको सेल होने से रोकेंगे और बचाएंगे। ईद कुर्बान में एक हफ्ता बाकी। मुल्तान में आरजी मवेशी मंडियां फाल। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु का दौरा। फातमा जना टाउन, सामुराना और जसवंतगढ़ मंडियों में इंतजाम का जायजा लिया। सामुराना मवेशी मंडी में ओवर चार्जिंग पर 7 अफराद को गिरफ्तार करा दिया। चेयरमैन सेनेट 72 साल के हो गए। यूसर रजा गिलानी ने इस्लामाबाद में सालगिरह का केक काटा। MNA अली मूसा गिलानी, कारोबारी शख्सियत चौधरी जुल्फिकार अंजू मौजूद। मुल्क भर से मुबारकबादें, नेक तमन्नाओं का इजहार। जनूबी पंजाब का इनेसास ज़रात पर है। जमात इस्लामी मुल्तान के ज़िले अमीर डॉक्टर सफदर हाशमी की रूही से गुफ्तगू। बोले बजट में किसान के लिए रिलीफ होना चाहिए। मजदूर की कम से कम तनख्वाह 50000 रुपए की जाए। मंडी सादीगंज गल्ला मंडी में सहूलियात का फुकदान। बारिश का पानी ताहा जमा। हर तरफ कीचड़ ही कीचड़। तहफुन से बीमारियों के फैलने का खदशा। मसाइल हल ना हुए तो मार्केट फीस अदा नहीं करेंगे, आढ़तियों की धमकी। दायरे दिन पनाह में चौक से वे शहीद रोड खस्ता हाल। गड़े हादसात का सबब। कीमती गाड़ियां तबाह। सड़क पर सफर करना महाल। मिनटों का सफर घंटों पर मुहित। तरंदा मोहम्मद पनाह में भी राबता सड़कें टूट फूट का शिकार। राहगीरों की आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील। सोशल
सोशल वेलफेयर मुल्तान, अरसा दराज से अफरादी कुवत की कमी का शिकार, सुपरवाइजर मौलिमा फीमेल नर्स समेत 11 असामियां खाली, सरकारी अमूर मुतासिर, खाली सीटें तैनातियों का मुंतजिर। मुल्तान में 7 जून से लापता बच्चे की लाश नाले से बरामद, कमसिन बच्चे की लाश निश्तर अस्पताल मुंतकिल, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस साइंस मुल्तान में जदीद तरीका तफ्तीश बारे ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से तफ्तीश को मजीद बेहतर बनाया जा सकता है। एसपी गुलगज सैफुल्ला, डीएसपी लीगल मोहम्मद शाहिद का खसूसी लेक्चर। स्कूलों से बाहर बच्चों की एनरोलमेंट करेंगे सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का बहावलपुर में तकरीब से खिताब, बोले वो बच्चे जो स्कूलों में नहीं उन्हें पढ़ाना है। शोहदाए पुलिस के बच्चों को निजी इदारे मुफ्त पढ़ाएंगे, हाजिर सर्विस मुलाजमीन के बच्चों को फीस में खसूसी रियायत दी जाएगी, प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन लिया और महकमे पुलिस में मुआहदा तय।